हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक साइकिल के हब के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि हमें कौन सा वाला हब लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हाई परफॉर्मेंस के लिए और जिसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप ये पिछले वाले टायर में यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड डिस्क लगी है और दूसरी साइड जो है दोस्तों ड्यूअल जो है फ्री व्हील लगे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ड्यूअल फ्री व्हील लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो फ्री व्हील हैं वो वैसे नहीं है जैसे कि आप YouTube पे देखते हो कि एक फ्री व्हील चढ़ा दिया, उसके बाद एक वार्सल लगा के फिर दूसरा फ्री व्हील एक के ऊपर एक चढ़ा दिया। ये वो सिस्टम नहीं है दोस्तों, ये जो है दोस्तों स्पेशल बनाया हुआ है सिस्टम है पूरा, जो एक साइड का होता है पूरा पाइप से अटैच्ड होता है पूरा। ये इसमें ऐसा नहीं कि कहीं भी खुल जाएगा, ये जुगाड़ा वाला सिस्टम तो बिल्कुल है नहीं। ठीक है, इसके अंदर ड्यूअल फ्री व्हील एक ही पाइप के ऊपर है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हब मेरे पास मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं नंबर दे दूँ, आप कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी साइड क्या है दोस्तों, डिस्क लगाई हुई है। डिस्क इसलिए लगाई हुई है कि दोस्तों अच्छा कंट्रोल मिले हमें, क्योंकि नॉर्मल जो ब्रेक देख सकते हैं दोस्तों, जो आगे लगे हुए हैं उससे इतना अच्छा कंट्रोल नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैंने ये वायर वाली डिस्क लगाई है। मतलब यहाँ पे वायर लग रहा है, एक आते प्रेशर वाले ब्रेक जो होते हैं आप वो भी लगा सकते हैं हाई ब्रेकिंग के लिए। ठीक है, अब चलते दोस्तों इसके अंदर क्या है। इसके अंदर गोली नहीं लगी हुई है इस हब के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बैरिंग लगे हुए हैं। ठीक है, वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ दूसरी तरफ। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इसमें क्या है, अभी मैं दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, बैरिंग लगाया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैरिंग लगा हुआ है, इसके अंदर गोली वगैरह नहीं लगी हुई है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है यहाँ पे बैरिंग लगा हुआ है, तो ये पूरा बैरिंग वाला हब है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अंदर आप अच्छी क्वालिटी के बैरिंग लगाते हैं तो ये 5 से 6 साल तक आराम से चलेगा। जैसे SKF कंपनी के जो है नंबर वन है, और नॉर्मल लगाना चाहो तो आप SCH के लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, इससे टायर में जो है लहक भी नहीं होती है। लहक मतलब कि मेरा मतलब लहक से वो है कि जैसे इसमें नॉर्मल सिस्टम में क्या कोण होती है, तो वो कोण क्या हमें बार बार टाइट करनी पड़ती है, इसमें वो सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है। एक बार इसमें लगा दिया बैरिंग सिस्टम, काफ़ी दिनों तक नहीं तो इसके अंदर कोई मेंटेनेंस करनी पड़ती है, और टायर भी बिल्कुल जो है सीधा रहता है इसमें। ठीक है, टायर ऐसा नहीं कि टेढ़ा हमें दिखेगा कि टायर टेढ़ा चल रहा है, वो तो चीज़ ये है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये महंगे होते हैं दोस्तों, इनका रेट जो है इतना महंगा होता है, 1000 से लेकर 1500-2000 तक भी हो सकता है इनका रेट। ठीक है, मैं इस और ये मैं ही बनाता हूँ दोस्तों, आप मेरे से ले सकते हैं। ये दोस्तों 64 तिल्ली के लिए है, 64 में है ये जो हब आप देख रहे हो। ठीक है ना, हमारे पास 36 का मिल जाएगा, 32 का मिल जाएगा, 40 का मिल जाएगा, 64 का मिल जाएगा, और जितने भी हब आप कहोगे मतलब जिस भी टाइप से मॉडिफिकेशन, वो हम बना के आपको दे सकते हैं दोस्तों। पर इसमें आपको दोस्तों ये कि आपको पहले एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद क्या दोस्तों हम बनाते हैं इसमें, हमारे पास ऐसा नहीं हो कि हमने बना के रख रखे हैं पहले से, जिस भी टाइप का ऑर्डर आता है वो हम बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको कोरियर करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों इसमें सिस्टम ये है पूरा। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता दिए। दूसरी वाली साइड फ्री व्हील एक पाइप के ऊपर लगा हुआ है, ना कि जो जुगाड़ होता है कि एक फ्री व्हील लगा दिया उसके ऊपर एक वार्सल लगा के फिर दूसरा फ्री व्हील चढ़ा दो, वो सिस्टम नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम है, इसमें जुगाड़ ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो फ्री व्हील निकल जाएगा, वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हर एक चीज़ जो है सही से बनाई हुई है, तो इसलिए इसके रेट महंगे हैं। मेरे को ये 2 साल हो गए हैं, ये जो टायर है अब जो है, जब ये बैरिंग लगा था उसके बाद नहीं खोला है। पहले मैं भी इसे डेली मतलब डेली खोलता था, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, 30-40 किलोमीटर के बाद इसकी जो है गोली वो कट जाती थी, उससे क्या है फिर दोबारा नई गोली डालो, वो सिर दर्दी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर लोड भी आप ज़्यादा दे के चला सकते हो। ठीक है, अगर आप लोड दे रहे हो जैसे नॉर्मल 250 वाट की मोटर है उस पर अगर 2 बंदे जा रहे हैं, अगर आप लोड दे रहे हो थोड़े स्पीड में चला रहे हो तो क्या गोली जल्दी कटेगी दोस्तों। आप खुद ही ट्राई कर लेना मेरे, मतलब आप सोचोगे कि मैं तो बकवास कर रहा हूँ।
तो आप खुद ही ट्राई कर लेना, उसके अंदर गोली क्या है जल्दी कट जाएगी। और बैरिंग के अंदर क्या है कुछ नहीं होगा, 4 से 5 साल तक चलेंगी ये, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने बता दिया दोस्तों, फिर नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर कुछ पूछना हो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी मैं वीडियो दोस्तों आगे भी लाऊंगा। एंड वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।